रोमन रेंस समेत इन चार रेसलर्स के हैं सबसे ज्यादा चांसेस इस बारी के मनी इन द बैंक को जीतने के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो दोस्तों, WWE का अगला PPV मनी इन द बैंक होने जा रहा है 10 मई को। इस बारी की मनी इन द बैंक की खासियत यह है दोस्तों कि हमें फिर से बिना क्राउड वाली एरिना में देखना होगा। इस बारी की मनी इन द बैंक के अंदर दोस्तों बहुत से ऐसे रेसलर हैं जो कि काफी प्रबल दावेदार लग रहे हैं, जैसे कि एज भी है, बिग शो भी रिटर्न किए हैं, साथ ही साथ शेमस भी हाल ही में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उन सबसे परे दोस्तों हम बात करेंगे उन रेसलर्स की जिनके दोस्तों सबसे ज्यादा चांसेस है इस बारी की मनी इन द बैंक को जीतने के। तो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं और लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं बिग डॉग रोमन रेंस। तो रोमन रेंस की बात करूं तो अभी मेरे हिसाब से रोमन रेंस के अलावा कोई भी रेसलर ऐसा नहीं है जो कि सबसे ज्यादा डिजर्व करता हूं मनी इन द बैंक को जीतने के, क्योंकि रोमन रेंस ने अपना स्पॉट ब्रॉन स्ट्रोमैन को दिया और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने वो टाइटल जीत लिया जो कि इवेंचुअली रोमन रेंस को जीतना था। यहाँ प्लांस में क्या चेंज आया दोस्तों, रोमन रेंस के हाथों से टाइटल निकल गया और मेरे अनुसार दोस्तों उन्हें इस बारी के मनी इन द बैंक को जीतना चाहिए और उस टाइटल को रिक्लेम करना चाहिए जिन्हें उन्होंने कभी भी हारा नहीं था, यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब देखते हैं दोस्तों, रोमन रेंस जो कि अभी इस वक्त इसलिए बाहर चल रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो रिंग के अंदर आए और कोरोना पॉजिटिव पाए जाए, क्या मनी इन द बैंक तक अपनी वापसी कर पाते कि नहीं, क्योंकि अभी काफी ज्यादा समय है, लगभग 1 महीने का समय तो आप रख के चल सकते हैं कि हाँ, रोमन रेंस की एंट्री हो सकती है मनी इन द बैंक में और वो इस तगड़े मैच को जीत भी सकते हैं। तो गाइस, यहाँ नंबर 5 पर आते हैं बिग डॉग। हम चलते हैं लिस्ट में आगे और चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर जो रेसलर दोस्तों वो है एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन। तो रैंडी ऑर्टन के बारे में क्या ही कहूँ, रैंडी ऑर्टन के बारे में दोस्तों आप और हम सभी जानते हो कि कितने बड़े अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट है रैंडी ऑर्टन। इससे पहले मनी इन द बैंक जीत चुके हैं और बात की जाए इस बारी की, तो इस बारी अगर रैंडी जीतते हैं तो सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि जो इनकी राइवलरी गई एज के खिलाफ, इसने रैंडी ऑर्टन को फिर से जीवित कर दिया, उनके कैरेक्टर को फिर से जीवित कर दिया है। रैंडी जो कि काफ़ी बड़ी लॉस खा रखे हैं रेसलमेनिया के अंदर, उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है और रैंडी इस बारी की मनी इन द बैंक को जीत भी सकते हैं। बट गाइस, अब हम चलते हैं इस लिस्ट में आगे और चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर जो रेसलर आते हैं दोस्तों वो है दोस्तों अलस्टर ब्लैक। तो अलस्टर ब्लैक अभी हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट पुश पाए हुए हैं। आप जानते हैं कि पॉल हेमन का जो हाथ है उनके सर के ऊपर है और अलस्टर ब्लैक हर बारी मंडे नाइट रॉ में एक नए जॉबर को फेस करते हैं, उसे हराते हैं और निकल जाते हैं। ऐसी ठग लाइव दोस्तों किस रेसलर की होगी, और अलस्टर ब्लैक दोस्तों उन ठगों में से हो सकते हैं जो कि इस बारी मनी इन द बैंक में हमारे इमोशंस को ठग दे और बन जाए ब्रांड न्यू मनी इन द बैंक विनर, यानी कि मिस्टर मनी इन द बैंक ऑफ 2020। अलस्टर ब्लैक की जीत दोस्तों इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस लगती है क्योंकि जो उनका पुश है वो बहुत से ऐसे ऐसे रेसलर से मैच करता है जो कि हिस्ट्री में ग्रेट हुए, जैसे कि ब्रॉक लेस्टर, और अलस्टर ब्लैक भी दोस्तों उसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या ऐसा होता है कि नहीं। हम चलते हैं इस लिस्ट में नंबर 2 के ऊपर। तो इस नंबर 2 पर जो रेसलर आते हैं वो कोई और नहीं दोस्तों, वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो सेथ रॉलिंस को दोस्तों मैंने इसलिए ही डाला है क्योंकि गाइस अभी ऑड्स में नंबर 2 के ऊपर चल रहे हैं। नंबर 1 पर जो रेसलर है दोस्तों वो भी हम ऑड्स से ही उठा रहे हैं, हम खुद से स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों बात की जाए सेथ की, तो सेथ अभी इस वक्त राइवलरी में थे केविन ओवंस के साथ और जो वो हारे, अब सेथ के सामने कोई भी रास्ता नहीं है। सेथ के लिए दोस्तों ये मनी इन द बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उनकी मसीहा गैंग डिसकॉन्टिन्यू हो चुकी है, जो रिजार है दोस्तों उन्हें इंजरी आ रखी जिसके चलते AOP नहीं आ सकती। अब AOP नहीं होगी, बड़ी मर्फी और सेथ दोस्तों अपने आप में मसीहा गैंग नहीं है, तो सेथ के लिए तो सबसे ज़्यादा दोस्तों ये ज़रूरी है कि मनी इन द बैंक को जीता जाए और सेथ इस बारी के मनी इन द बैंक को जीतने के प्रबल दावेदार इसलिए भी बनते हैं क्योंकि वो ऑड्स में नंबर 2 के ऊपर। हम चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 के ऊपर। तो गाइस, नंबर 1 पर जो रेसलर आते हैं जो कि अर्ली बैटिंग ऑड्स में बताए जा रहे हैं कि मिस्टर मनी इन द बैंक 2020 होने वाले हैं, वो कोई और नहीं, वो है केविन ओवंस। तो केविन ओवंस दोस्तों अभी लिस्ट में नंबर 1 के ऊपर चल रहे हैं। केविन ओवंस के बारे में बताऊं तो केविन ओवंस ने सब कुछ अचीव किया है, वो वर्ल्ड चैंप रहे हैं, वो NXT चैंप रहे हैं, लेकिन गाइस डीप डाउन वो भी जानते हैं कि उन्होंने मनी इन द बैंक को हाथ नहीं लगाया और मनी इन द बैंक अगर वो जीत जाते हैं तो एक चीज़ वो आसानी से कर पाएंगे जो कि काफ़ी लंबे समय तक हमने उनकी तरफ से नहीं देखी है, वह दोस्तों हील टर्न, क्योंकि केविन ओवंस मुझे फेस में बहुत घटिया लगते हैं।
फेस दोस्तों उनसे वैसा नहीं निभाया जाता जैसे कि वो हील निभाते हैं। आपको याद ही होगा कि केविन ओवंस की जो लेजेंडरी राइवलरीज रही है, चाहे वो सीना के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे किसी दूसरे रेसलर के खिलाफ क्यों ना हो, वहाँ दोस्तों वो हील ही थे। ये जो फेस वाला उनका काल चल रहा है, ये काफ़ी अंडररेटेड चल रहा है, लोग इसे वैसे भी देखना नहीं चाहते। और केविन ओवंस अगर मनी द बैंक विनर बन जाते हैं तो उसके बाद आसानी से हील टर्न ले पाएंगे और काफ़ी चपलता से उसे कैश इन भी कर पाएंगे। तो गाइस मेरे अनुसार ये 5 रेसलर रहने वाले हैं जो कि इस बारी के मनी इन द बैंक को जीतने के प्रबल दावेदार होंगे। और गाइस आज की वीडियो इतनी थी। सवाल उठता है ये कि इस पूरी की पूरी लिस्ट में से आपको कौन सा रेसलर सबसे ज़्यादा पसंद है कि वो जीते मनी इन द बैंक को, उस रेसलर का नाम मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सा वो रेसलर रहने वाला है। या फिर गाइस आपको अगर इस लिस्ट से बाहर भी कोई रेसलर लगता है कि वो मनी इन द बैंक को जीत सकता है तो आप उसका भी नाम बता सकते हैं। बट गाइस आज की वीडियो इतनी थी। पसंद आई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शपक है।